हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको जो नंबर प्लेट बुक पर चालान बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए अपने कस्टमर को नंबर प्लेट के बारे में आप जागरूक कर सकते हैं। नंबर प्लेट बुक कैसे करें उसके बारे में जानते हैं। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले अपना कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लें, और वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप HSRP लिखेंगे, और पहले नंबर का जो ऑप्शन आएगा बुक माई HSRP, पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट बुकिंग, ओनली कलर स्टिकर, और ये सबसे पहला ऑप्शन जो है ये वाला, इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो बाइक की डिटेल है वो मांगने लगेगा। डिटेल आपको डाल देनी है इसमें, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर ले तो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको 24 नंबर की लास्ट के 5 डिजिट यहाँ पर डाल देने हैं, लास्ट के 5 अंक जो होते हैं। उसके बाद इंजन नंबर के आपके लास्ट के 5 डिजिट डाल देने हैं। फिर उसके बाद आपको कैप्चा डालने के बाद क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो जो जानकारी आपने डाली है वो मैच है या नहीं है उसे ये चेक करते हैं, और उसके बाद आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अभी देखिए इसमें दिक्कत चल रही है, तो पहले कस्टमर से OTP के लिए कह देते हैं, OTP लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ओनर की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर ओनर का नाम यहाँ पर डाल देना है, जो RC में नाम है वही आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने जो नाम डाल दिया है, और उनका मोबाइल नंबर आपको सही मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि इस पर OTP जाता है, और OTP के बाद ही हमारी डिटेल अगली डिटेल खुल पाती है। कभी कभी सर्वर में एरर रहता है, तो यहाँ पर देखिए उनका बिलिंग एड्रेस, उनका जो एड्रेस है, मैं तो RC में जो एड्रेस है कस्टमर का वही इस पर हम डाल देते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए बाइक गाड़ी डिटेल रह गई, मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद रुक जाना है। तो फिर यहाँ पर OTP की डिटेल हमसे मांगेगा, तो OTP यहाँ पर एकदम हम जल्दी से डाल देंगे, और यहीं पर आकर एरर देता है। तो फिलहाल को अभी एरर नहीं आया है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपका पिन कोड में अवेलेबल है तो आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, वरना आप डीलरशिप पे जा करके इसे डिलीवर करा सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ पर इसकी डिलीवरी चाहते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे UP में अमरोहा को हम डिलीवरी चाहते हैं, तो वहाँ का पिन कोड डाल देते हैं एजेंसी का, जो नज़दीकी एजेंसी है। एजेंसी हमारी खुल चुकी है अमरोहा मोटर्स, जो है रोड पर, और इसका कुछ अमाउंट आया तो हमने कंफर्म कर दिया। डेट हम 12 ही रहने देंगे, और जो भी स्लॉट हो हम उसे बुक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए डिटेल कस्टमर की आ चुकी है, और इसे आप चेक भी कर ले चाहो तो, वरना आप डायरेक्टली कंफर्म करके इसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए OTP के बाद जो प्रॉब्लम रहती है वो OTP के बाद नया पेज नहीं खुलता है, वही प्रॉब्लम रहती है, बाकी तो सभी साइट बहुत अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद यहाँ से हम कन्फर्म प्रोसीड पर क्लिक करेंगे डिटेल मैच करने के बाद, और फिर हमसे ये पेमेंट वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ से देखिए पूछ रहा है कि सेम एज ए प्रवेश मोबाइल नंबर, वही हम रहने देंगे। उसके बाद हम पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। डिटेल एक बार आप देख लेते हैं, पे ऑनलाइन पर हमने जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट के जो ऑप्शन है वो सारे खुल करके आ जाएंगे। तो आप UPI के किसी माध्यम से QR कोड स्कैन करके, या मोबाइल नंबर टाइप करके, या रिक्वेस्ट मंगा के, या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट के माध्यम से जैसे आप करना चाहें, 495.60 रुपये की फ़ीस है, उसे पे कर सकते हैं। अगर आप UPI से अदर का यूज़ करते हैं तो उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा भी लगते हैं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ आप देख रहे हैं 495 रुपये प्लस फ़ी। तो जो भी फीस होती है वो भी इसमें रहती है। तो फिलहाल को हम QR कोड का यूज़ करेंगे। QR कोड पर क्लिक कर लिया है, और सो QR कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे, और हमारे सामने QR कोड जनरेट हो चुका है, और इस QR कोड पर हम पेमेंट करेंगे। तो अब जैसे ही अपने मोबाइल से QR कोड स्कैनर खोल के पेमेंट करेंगे, तो आपके सामने से ये पेज जहां से आया था वहीं पर केबल चला जाएगा, और आपके सामने एक स्लिप जनरेट हो गई। देखिए पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, और आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही हमारा पेज यहां से वापस होके और जहां से हम आए थे वहां पर पहुंच जाएगा यहीं से। और यहां पर देखिए प्रिंट जनरेट हो चुका है, यहाँ से प्रिंट करके और हम इस स्लिप को कस्टमर को दे देते हैं। और इसमें स्लिप की एक्सपायर डेट भी रहती है। हालांकि देखिए मैंने 2 HRS ये प्लेट बुक करी हैं,
तो क्योंकि साइट चल रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी ये दोनों प्लेटें बुक कर दी हैं। फिर आपको यहाँ पर प्रिंट कर देना, दो पेज हैं, आप पहला प्रिंट ही पेज कर सकते हैं, प्रिंट ही पहला पेज ही प्रिंट कर सकते हैं। मैंने प्रिंट कर दिया है और आप बड़ी ही आसानी से ये नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका इस और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।